कोरोना के चलते कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। कई मृत व्यक्तियों को शास्त्रों के अनुरूप अंतिम संस्कार भी विधि विधान से नसीब नहीं हुआ। ऐसे में उन सभी अतृप्त आत्माओं के मोक्ष के लिए पितृपक्ष एकादशी पर नर्मदा नदी के सेठानी घाट पर सामूहिक तर्पण किया गया और सभी के मोक्ष की कामना की गई। हिंदू परंपरा के अनुसार मृत व्यक्तियों की शांति के लिए श्राद्ध और तर्पण करने की रीत रिवाज है। शहर के कुछ समाज सेवियों द्वारा पिछले 21 साल से अतृप्त आत्माओं की शांति के लिए तर्पण का कार्य किया जा रहा है। देश में कोरोना संक्रमण के चलते कई लोगों का अंतिम संस्कार पूरे विधि विधान से नहीं हो पाया। ऐसी अतृप्त आत्माओं की शांति के लिए नर्मदा नदी के सेठानी घाट पर पितृपक्ष के एकादशी पर पिंडदान किया गया। इसके साथ ही बॉर्डर पर शहीद जवानों की आत्मा के मोक्ष की भी कामना की गई है। विशेष रूप से जो कोरोना में मारे गए हैं, जो गलवान में मारे गए हमारे सैनिक हैं, जिनको जो अकाल मृत्यु प्राप्त हुई है, उनके लिए पिंडदान किया गया है। उनकी आत्मा की शांति के लिए पिंडदान किया गया है और हम लगातार करते आ रहे हैं। 21 वर्ष हो गए हमें लगातार ये करते हुए। इस वर्ष हमारा विशेष जय है क्योंकि लगातार कोरोना से कम 70,000 लोग मारे गए और उन 70,000 लोगों की आत्मा की मुक्ति के लिए। देखो क्या है, ये है पुरखों की एकादशी 11। इसमें खास क्या होता है? खास तो ये है कि हम लोग एक जो भोग लगाते हैं कोरोना में या शहीद हुए हमारे भारत पे जो हमारी सेनाएं हैं उनकी आत्मा की शांति के लिए हम लोग ये पिंडदान करते हैं। इसमें भोग हम लोग क्या है, दूध दही शहद कचौड़ी समोसा केला सेव फल, इसका हम लोग भोग लगाते हैं। इसमें विशेष तो ये होता है, ईमानदारी की जो बात बताऊं, ये हम लोग 21 साल से ये कार्यक्रम कर रहे हैं। इसमें लोग आने में डरते हैं, कई बार हम लोगों के साथ भी ऐसी घटनाएं हो जाती है जो हमें भी भयभीत कर देती है कि हम लोग ये कार्यक्रम में रुकावट आती है। हमने खुद महसूस किया, हमारे साथियों ने महसूस किया है। तो ये कार्यक्रम हम लोग कंटिन्यू करेंगे जब तक हमारे को ऊपर वाले की कृपा है और हम लोग ये अभी कोरोना लोगों के लिए करते हैं। अगर बात की जाए ईमानदारी की बात क्या है, भटकती आत्माएं जो होती है, देखो भटकती आत्मा पढ़े लिखे लोग भी बड़े बड़े अधिकारी होते हैं जो पुरखों को समझते ही नहीं है और पुरखे लोग परेशान करते हैं। इसलिए भटकती आत्माएं अमीर गरीब कई लोग पढ़े लिखे अनपढ़ सब लोग, कई लोग पिंडदान को समझते ही नहीं है, पुरखों को समझते ही नहीं है। तो उनके लिए विशेष करके कि जिनको पुरखों को कुछ नहीं मिलता उनको हम लोग भोग लगाते हैं, उनको आत्मा की शांति के लिए हम लोग पिंडदान भटकती आत्माओं के लिए करते हैं, जिसको हमारे 21 वर्ष आज पूर्ण हो गए। खास होता है और किस बात को लेकर किस साल से आप तर्पण करवाना, क्या कुछ खास? सेठानी घाट पर विगत 21 वर्षों से यहाँ पर उन अतृप्त आत्माओं के लिए जिनकी अकाल मृत्यु हो गई है, नाव दुर्घटना में मौत हो गई है, इस प्रकार उनकी मौत हुई है, उनके लिए 21 वर्ष से मेरे द्वारा यहाँ पर उनके लिए उनके आत्माओं की शांति के लिए तीर्थ पुण्य कराए जाते हैं, जो कि शास्त्र में दिया गया। तीर्थ पुण्य करने से उनकी आत्माओं को शांति मिलती है, मोक्ष मिलता है। इनके आत्माएं भटक रही हैं, उनके लिए शांति मिलती है, मोक्ष मिलता है। यहाँ पर व्यापारी संगठन है, कल्लू करियर शुरू किया था, वो बीमार है इस समय, तो अभी बाकी मनोबल बढ़ाने के और लोग हैं, ये लोग इस कार्य को विगत 21 वर्ष से कर रहे हैं और मैं इसको करा रहा हूँ। Rabindranath Tagore University, formerly known as ISECT University, the pioneers in skill development with focus on creating industry-ready professionals. Join India's premier skill-based university, Rabindranath Tagore University. संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। देख रहे हैं दखल न्यूज़।